साबिक शोहर ब्लैकमेल करने के लिए इल्ज़ामात आयद कर रहा है। सेशन कोर्ट में अदाकारा वीना मलिक के साबिक शोहर असद खटक के खिलाफ अतक इज्जत के दावे पर समाअत की गई है। अदालत ने असद खटक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तफसीलात जानने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरशद अली से। जी अरशद अली, बताइएगा क्या मामला है। जी बिल्कुल, जो है वो वीना मलिक की जानब से साबिक शोहर असद खटक के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया गया था, जिस पर एडिशनल सेशन जज यासर हयात बाजवा ने बाकायदा समाअत की है। अदालत ने कार्रवाई करते हुए वीना मलिक की दरख्वास्त पर असद खटक को नोटिस जारी करते हुए बाकायदा हत्या की इज्जत के दावे का जवाब तलब कर लिया है। हत्या की इज्जत के दावे में वीना मलिक ने यह मौका इख्तियार किया था कि साबिक शोहर झूठे इल्जाम लगाकर जो है वो मेरी शोहरत मुतासिर कर रहा है। अदालत ने कानून के मुताबिक बच्चे मेरे हवाले किए हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ झूठे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, लिहाजा अदालत असद खटक के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने अदा करने के अहकाम जारी करे, जिस पर अदालत ने समाअत करते हुए असद खटक को नोटिस जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर दावे का जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने समाअत 2 फरवरी तक के लिए मुलतवी की है। ठीक है, समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अली।